हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है क्लेवर फिश। चलिए तो फिर इस स्टोरी को सुनते हैं। वन डे ए फिशरमैन वॉज फिशिंग टू अ रिवर। फिश यहाँ पर देखिए, ये फिश नाउन की तरह यूज हुआ है और वर्ब की तरह भी यूज हुआ है। फिश मतलब मछली पकड़ना। ए वन डे एक दिन ए फिशरमैन मछुआरा एक दिन एक मछुआरा वॉज फिशिंग टू अ रिवर, नदी में मछली पकड़ रहा था। एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह। ही थ्रोज हिज नेट इन टू द रिवर, नदी में अपने जाल फेंकता है। थ्रोज मीन्स फेंकना। वह नदी में अपना जाल फेंकता है। एंड और ही जस्ट सैट वेटिंग देयर फॉर फिश टू गेट हर, और मतलब वह मछली को पाने के लिए, टू गेट हर, उसे पाने के लिए मीन्स मछली को, यहाँ हर जो है फिश के लिए यूज हुआ है, तो मछली को पाने के लिए, मछली के इंतज़ार में वह वहाँ बैठ गया। सो डैट, ताकि ही कुड सेल ए लॉट ऑफ फिश इन द मार्केट, वह बाज़ार में बहुत सारी मछलियों को बेच सके। ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, वह बहुत सारी मछलियों को बेच सके। एंड गेट सम गुड मनी फ्रॉम द फिश, और मछलियों से बहुत अच्छी रकम प्राप्त कर सके। गेट मीन्स प्राप्त करना, तो वह बहुत अच्छी रकम मछलियों से प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम फिशरमैन लुक्ड रसल एंड बसल इन द नेट। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मछुआरे ने जाल में सरसराहट, रसल मीन्स सरसराहट और बसल मीन्स हलचल, जाल में सरसराहट और हलचल देखी। जाल डाला, नदी में जाल डाला, जाल में सरसराहट और हलचल देखी। थिंकिंग डैट, यह सोचकर, ही मस्ट हैव गॉट ए लॉट ऑफ फिश इन द नेट, यह सोचकर कि उसने जाल में बहुत सारी मछलियाँ पा ली होंगी, ही एक्चुअली टुक आउट द नेट आउट ऑफ वाटर, तो यह सोचकर कि उसने बहुत सारी मछलियाँ पा ली होगी, उसने वास्तव में पानी में से अपना जाल बाहर निकाल लिया था। टुक आउट मतलब निकालना, टुक पास्ट टेंस है, तो टेक आउट मीन्स निकालना, बाहर निकालना, तो वह नदी में से अपना जाल बाहर निकाल लिया था। बट लेकिन, देन लेकिन फिर उसने देखा, ही सा उसने देखा, देयर इज वन टीनी लिटिल फिश इन डैट नेट, उस जाल में एक छोटी मछली है। उसने देखा कि उस जाल में एक छोटी मछली है। ही ग्रैब्ड होल्ड ऑफ, उसने उसको पकड़ लिया। आगे देखते हैं। डैट फिश, बट देन सडनली, अचानक से फिश जो है, तब अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, द फिश स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, हिम यहाँ मछुआरे के लिए यूज हुआ है, तो जो मछली है अचानक से मछुआरे से बात करने लगी। टीनी लिटिल फिश सेड टू द फिशरमैन, छोटी मछली ने मछुआरे से कहा, क्या कहा, ओ फिशरमैन प्लीज लीव मी, ओ मछुआरे कृपया मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी, अदरवाइज नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई, मुझको छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आई विल डाई आउट ऑफ वाटर, मैं जल में मर जाऊंगी। बट फिशरमैन, लेकिन मछुआरे ने डिड नॉट गिव एनी अटेंशन, लेकिन उस मछुआरे ने मछली की बात पर ध्यान नहीं दिया। टू द रिक्वेस्ट ऑफ द फिश, मछली के अनुरोध पर उसने ध्यान नहीं दिया। बट देन अगेन, लेकिन फिर दोबारा से, द टीनी लिटिल फिश सेड टू द फिशरमैन, छोटी मछली ने दोबारा से मछुआरे से कहा, ओ फिशरमैन आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, विच इज ऑफ योर हेल्प, जो तुम्हारी सहायता का है। इफ़ यू लीव, यदि तुम मुझे छोड़ोगे,
इफ यू लीव मी बैक इन वाटर, यदि तुम मुझे जल में दोबारा से छोड़ दोगे, बैक मीन्स वापस और वाटर जल में, इफ यू लीव मी तुम्हें, यदि तुम मुझे जल में छोड़ दोगे, आई विल टेल ऑल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी, एंड और आई ब्रिंग देम नियर टू द बैंक ऑफ रियर, और उन्हें इस नदी के किनारे पर लाऊंगी, अपने सभी दोस्तों को द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर अपने सभी दोस्तों को लाऊंगी, ब्रिंग मीन्स लाना, उन्हें लाऊंगी, यहाँ देम अपने सभी दोस्तों के लिए यूज हुआ है, मछली के दोस्तों के लिए, तो आई ब्रिंग देम नियर टू द बैंक ऑफ रिवर, सो डैट, ताकि वेन यू कम नेक्स्ट टाइम, जब तुम अगली बार आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, यू विल हैव मच मोर फिश, तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पाओगे। फिशरमैन थॉट टू हिमसेल्फ, फिशरमैन ने खुद में सोचा, वाओ मीन्स वाह, वाओ दैट्स नॉट अ बैड डील, यह कोई बुरी बात नहीं है। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, एट यह कोई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था, इफ लेट गो वन टीनी लिटिल फिश टूडे, यदि मतलब आज, यदि इफ मतलब यदि और टूडे आज, यदि मैं आज इस छोटी मछली को जाने देता हूँ, लेट गो मीन्स जाने देता हूँ, टुमारो कल, आई विल गेट अ लॉट ऑफ मोर फिश, मोर फिश, कल अगर मैं इस छोटी मछली को आज जाने देता हूँ तो कल मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी, कल मुझे बहुत सारी, ए लॉट ऑफ बहुत सारी मछलियाँ मिलेगी, प्राप्त होंगी, बिकॉज क्योंकि दिस टीनी लिटिल फिश विल ब्रिंग ऑल हिज फ्रेंड्स टू मी, यह छोटी मछली जो है अपने सभी दोस्तों को, ऑल हिज फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों को, टू मी मेरे पास, मतलब मछुआरे के पास, मेरे पास वह लाएगी। उसने छोटी मछली ने कहा कि तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं अपने सभी दोस्तों को लाऊंगी। तो मछुआरे ने ऐसा सोचा कि यह कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है आज मैं इसके छोड़ देता हूँ, कल मुझे बहुत सारी मछली मिलेगी, या अपने सभी दोस्तों को मेरे पास लाएगी। आगे देखते हैं, बिलीविंग द वर्ड ऑफ दिस टीनी लिटिल फिश, छोटी मछली की बातों पर, वर्ड मीन्स बात शब्द, तो छोटी मछली की शब्दों पर, बातों पर विश्वास करके फिशरमैन ने, मछुआरे ने, लेट गो द टीनी लिटिल फिश इनटू द रिवर अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, पुनः से, छोटी मछली को पुनः से नदी में डाल, जाने दे देता है। द टीनी लिटिल फिश वॉज रियली हैप्पी, छोटी मछली वास्तव में बहुत खुश थी, रियली मीन्स वास्तव में, वह छोटी मछली वास्तव में बहुत खुश थी, एंड इट्स अवे हैप्पीली टू द रिवर नेवर कम बैक, और दोबारा से, और कभी नहीं मतलब नदी में वापस आने की सोची, जब एक बार चली गई तो दोबारा से आने के लिए वह सोची कि अब मैं दोबारा से कभी नहीं आऊँगी। आगे देखते हैं, पुअर फिशरमैन गरीब मछुआरा ही केम नेक्स्ट डे, वह अगले दिन आया, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन आया, एंड एक्सपेक्टिंग और उम्मीद कर रहा था कि डैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियाँ होंगी, कैसे होंगी, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिश, वह बहुत सारी मछलियाँ होंगी, डैट दिस टीनी लिटिल फिश वुड ब्रिंग, वह छोटी मछली लाएगी मेरे पास अपने सभी दोस्तों को, वो ऐसा सोच रहा था, उम्मीद कर रहा था, बट लेकिन डैट टीनी लिटिल फिश वॉज वेरी क्लेवर, वह छोटी मछली जो थी बहुत चालाक थी, वेरी क्लेवर थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्लेवरनेस, और उसकी इसी चालाकी के कारण, चतुराई के कारण, ही सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द फिशरमैन, उसने अपनी जान फिशरमैन से बचा ली, मछुआरे से अपनी जान बचाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, सो फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू हैव टू बी रियली रियली क्लेवर टू सेव योर लाइफ, मतलब आपको
वास्तव में चालाक या चतुर होना चाहिए टू सेव योर लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए फ्रॉम सच चैलेंजिंग मोमेंट्स, ऐसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में, ऐसे संकटपूर्ण क्षणों में अपनी जान को बचाने के लिए आपको वास्तव में चतुर होना पड़ेगा, चतुर होना चाहिए। तो सब तो फ्रेंड्स, आज आपको स्टोरी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।